आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नुक्ता चिन्ह के बारे में। नुक्ता चिन्ह होता क्या है, उसका प्रयोग कहाँ होता है और उसको प्रयोग करने से अर्थ में क्या बदलाव आता है, ये सारी बातें हम करेंगे। नुक्ता चिन्ह किसी शब्द में अक्षर के नीचे लगाया जाता है और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से 5 अक्षर के साथ ही किया जाता है। पहला क, फिर ख, ग, ज और फ, ये 5 ऐसे अक्षर हैं जिनके साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता चिन्ह वैसा चिन्ह होता है जो किसी शब्द में अक्षर के नीचे, जो किसी शब्द में एक अक्षर के नीचे लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है और उस शब्द को उर्दू शब्द बना देता है। किसी शब्द के नीचे नुक्ता चिन्ह लग जाने से वह शब्द उर्दू शब्द में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए एक काज लिख दिए, क्या शब्द लिख दिए, काज लिख दिए, एक और काज लिख देते हैं और फिर से लिख दिए हम काज, यानी दो शब्द लिखे यहाँ पे, एक काज और दूसरा फिर से काज। नुक्ता चिन्ह का काम है क, ख, ग, ज और फ के नीचे लगना। अब हम एक ज के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर लग गया ज के नीचे नुक्ता चिन्ह। अब दोनों का अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों के अर्थ में बहुत अंतर आएगा। जैसे एक काज का मतलब होता है काम, इस काज का मतलब होगा यहाँ पे काम, और इस काज का मतलब होगा बटन का होल, बटन का होल। शर्ट में जो बटन लगता है, बटन लगाने के लिए जो होल रहता है उसको हम लोग काज बोलते हैं, और उस काज को लिखने के लिए ज के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लिख दिए फन, लिख दिए फन, यहाँ पे लिख दिए फन और फन, दो शब्द लिख दिए हैं। एक फन का मतलब होता है सांप का फन, एक फन का मतलब हो जाएगा कला, एक फन का मतलब सांप का फन और एक फन का मतलब हो जाएगा कला, जिसको बोलते हैं ये आठ कला।